गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम सबसे ज्यादा सस्ता, सबसे ज्यादा छोटा और सबसे ज्यादा लाइट वेट हीटर बनाने वाले हैं, जो कि पोर्टेबल भी होने वाला है और इतने सारे फीचर आपको मात्र 25 रुपए में मिलने वाले हैं। तो देर किस बात की है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। तो गाइज, इस हीटर को बनाने में हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक के एक छोटे से टब का, एंड उसी के साथ ही हमारे पास ये है मेल और फीमेल प्लग, जिनको कि हम बाजार से खरीद कर लाए थे और ये मुझे लगभग 20 रुपए का पड़ा था। ये दोनों प्लग हमारे बेहद ज्यादा काम आने वाले हैं और एक ऐसी चीज है जो आपके भी बेहद ज्यादा काम आने वाली है, वो है नीचे दिए गए लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन। अगर आप उसे प्रेस कर दोगे तो आपको हमारी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। ट्राई करके देखिएगा, इट्स वर्क। गाइस, तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो इस स्टेप के अंदर हम इस टब को सीमेंट से भरने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं मसाले को। मसाला मतलब कि सीमेंट और बालू, केवल उसी का ही मिक्सचर बनाएंगे, इसमें कंक्रीट नहीं मिलानी है, वरना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मसाला बनाते हैं एंड इस स्टेप को कम्प्लीट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सेकंड स्टेप भी लगभग कंप्लीट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि आप हमारी वीडियो को देखते हो, आपको वीडियो पसंद आती है, आप लाइक भी करते हो, हमें भी पता चलता है, लेकिन आपको हमारी वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगता है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि हम उसी पार्ट को और ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाया करें। और गाइस, हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो कि ये सॉलिड बन चुका है, लेकिन अभी इसको हमें सुखाने के लिए छोड़ देना है लगभग 1 से 2 दिन तक। 2 दिन तक रखोगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। एंड फाइनली गाइस, 2 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हो ये पूरी तरह से सॉलिड हो चुका है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से नहीं सूखा है और हमें नहीं सुखाना है, क्योंकि अब हम इस हीटर के ऊपर कुछ पैटर्न ड्रॉ करेंगे जो कि आपको ध्यान से देखनी है। ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इन पैटर्न को। वैसे इन पैटर्न में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि हम इसकी जो नालियाँ बना रहे हैं, जो नलियाँ हमने बनाई हैं, उन नलियों को हमने थोड़ा गोल किया है, ताकि जो हम स्प्रिंग इस हीटर के अंदर लगाने वाले हैं वो स्प्रिंग इन नालियों के अंदर काफ़ी अच्छे से फंस जाए और वो बाहर ना निकले। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और चलिए अब आप बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। अब आपको इस हीटर को धूप में रख देना है, लगभग 5-6 दिन तक रखना है। जी हाँ गाइस, 5-6 दिन तक रखना है, ताकि ये जो इसके अंदर जो मसाला भरा हुआ है वो पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। अगर वो नहीं सूखा तो ये हीटर करंट भी मार सकता है। अब आता है फाइनल स्टेप। फाइनली इस हीटर को 5-6 दिन हो चुके हैं और ये पूरी तरह से सूख चुका है, हमें भी दिखाई दे रहा है और आप शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए अब इस हीटर को फाइनल टच देते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास ये है हीटिंग स्प्रिंग, ये हीटर स्प्रिंग आती है, ये 2000 वाट की हीटर स्प्रिंग है और इसकी डिटेल को आप वीडियो को पॉज करके, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसकी डिटेल को
पढ़ सकते हो। ये 2000 वाट की हीटर स्प्रिंग है गाइस। तो हम बाजार से दो हीटर स्प्रिंग को लाए थे, एक 2000 वाट की थी जिसकी डिटेल को आप अभी पढ़ रहे हो, और एक थी 1500 वाट की। तो जो 1500 वाट की हीटर स्प्रिंग थी, उस हीटर स्प्रिंग को हमने इस हीटर पर बनाकर पहले से टेस्ट कर लिया और वो हीटर परफेक्ट वर्क कर रहा था। तो फिलहाल हम इसके अंदर 1500 वाट की हीटर स्प्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 2000 वाट वाली हीटर स्प्रिंग है, उसका इस्तेमाल हम किसी और प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो स्प्रिंग को लगाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस इस स्प्रिंग को आपको कनेक्ट करना है इस स्विच के साथ, जो प्लग था उसके वायर के साथ आपको कनेक्ट करना है, एंड उसकी जो पैटर्न है उन पैटर्न पर इस स्प्रिंग को फंसा देना है। लेकिन उससे पहले स्प्रिंग को हल्का सा आपको खींचते जाना है और इस तरह से आपको पूरी हीटर में स्प्रिंग को घुमा देना है, एंड लास्ट में आपको उसी प्लग के साथ फिर से कनेक्ट कर देनी है अपनी स्प्रिंग को। बस हमारा हीटर तो रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है कि हमने जो ये कनेक्शन किए थे इस हीटर के, वहाँ पर थोड़ा करंट लगने का डर है, इसीलिए हम इसे भी प्रोटेक्ट करते हैं इस प्लास्टिक के कवर से, जिससे इससे इस हीटर से किसी भी तरह का करंट लगने का कोई भी खतरा ना हो। और ये हमारा हीटर बनकर रेडी हो चुका है, इसे आप देख सकते हो, ये हीटर पूरी तरह से रेडी हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने इस हीटर का टेस्ट नहीं किया है। तो चलिए इस हीटर को चलाकर देखते हैं ये हीटर कैसा काम करता है। और गाइस अंत में मैं आपसे केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये हीटर वर्क कर रहा है राइट, ये हीटर सेफ भी है 100% राइट, बट ये हीटर तभी सेफ है जब आप इस हीटर का सेफ्टी के साथ इस्तेमाल करेंगे, वरना ये हीटर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। और इन हीटर को आप बच्चों के पहुँच से थोड़ा दूर ही रख कर इस्तेमाल कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड के साथ। तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।